मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने अनवर इब्राहिम को नए प्रधानमंत्री बनने की मंजूरी दे दी। बीते हफ्ते हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार बनाने को लेकर संकट पैदा हो गया था। 2018 से लेकर अब तक मलेशिया में 3 प्रधानमंत्री का चुनाव हो चुका है। सुल्तान ने घोषणा की है कि अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अनवर इब्राहिम का पीएम बनना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये इस्लामिक बेहतरी के बजाय सभी देशों से बेहतर संबंध रखने में विश्वास रखते हैं। अनवर इब्राहिम को सुधारवादी नेता के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 2019 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद की ओर से कश्मीर राज छेड़े जाने पर अनवर इब्राहिम ने कहा था कि मलेशिया को भारत के साथ मतभेदों को मैत्रीपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। इसके अलावा अनवर इब्राहिम की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो चुकी है और वो उस मुलाकात के बाद काफी उत्साहित भी दिखाई दिए थे। 1957 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद साल 2018 में पहली बार मलेशिया में किसी सुधारवादी संगठन ने जीत हासिल की है। इस गठबंधन का नेतृत्व अनवर इब्राहिम कर रहे थे, लेकिन मुहादिद्दीन ने पार्टी से अलग होकर यूएमएनओ से हाथ मिला लिया था। अनवर इब्राहिम 1990 के दशक में देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 75 वर्षीय अनवर सोडोमी और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। आम चुनाव में अनवर की गठबंधन पार्टी 82 सीटों पर दर्ज करने में सफल रही, जो कि बहुमत के लिए 112 की सीटों से काफी कम था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मुहादिद्दीन यासीन की गठबंधन पार्टी ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें उनके सहयोगी मलय केंद्रित नेशनल पार्टी ने सर्वाधिक 49 सीटों में जीत दर्ज किया। यूनाइटेड मलय ऑर्गेनाइजेशन नेतृत्व वाले गठबंधन को 30 सीटें मिली। ऐसा माना जा रहा था कि सत्ता की चाबी यूएमएनओ गठबंधन के पास है। यूएमएनओ ने शुरुआत में अनवर को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन किसी भी पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर मलेशिया के सुल्तान ने एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद यूएमएनओ ने एकता सरकार को समर्थन देने की बात कही। यूएमएनओ के सेक्रेटरी ने कहा है कि पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली टीम ने फैसला किया है कि हमारा गठबंधन पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन कैंप के अलावा किसी भी एकता सरकार को समर्थन देगी। अहमद मसलन ने कहा है कि सुल्तान द्वारा गठित किसी भी सरकार को पार्टी समर्थन करेगी। अब ऐसे में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने अनवर इब्राहिम आगे आने वाले दिनों में भारत के साथ रिश्ते कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।